हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर एजुकेशन। मेरा नाम है अंजलि वर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एम्किटर गोश आर्मेनियन रशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। द एम्किटर गोश यूनिवर्सिटी इज लिस्टेड अमोंगेस्ट द मेडिकल यूनिवर्सिटीज लिस्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल मेडिकल कंपनसेशन। ये यूनिवर्सिटी आर्मेनिया में लोकेटेड है। 1996 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी कंट्री रैंकिंग 31 है। वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटी 12,293 नंबर पर है। यूनिवर्सिटी MCI एंड NMC अप्रूव्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं और अपनी MBBS की पढ़ाई अब्रॉड से परस्यू करने का सोच रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में होने वाला है और साथ ही साथ आपको प्रोवाइड होने वाली है इंडियन फूड फैसिलिटी। वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका हॉस्टल होगा, आपको अलग से कोई मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है अपने कन्वेंस पूरे करके। आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा आपका हॉस्टल, तो आप इजीली हॉस्टल टू कैंपस वॉक करके जा सकते हैं। 5 ईयर्स की आपकी क्लासरूम स्टडी होगी, वहीं 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड होती है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। इसके लिए आपको कोई अलग से मनी स्पेंड करने की नीड नहीं है, ना ही आपको कोई एफर्ट करने की नीड है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है। इस इंटर्नशिप की प्रैक्टिस आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कंप्लीट फ्री स्ट्रक्चर, जिसमें आपका इंक्लूड होने वाला है हॉस्टल फी, ट्यूशन फी, साथ ही साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा सर्टिफिकेशन और आपका फूड एक्सपेंस। जो कंप्लीट फीस होने वाली है आपकी 6 ईयर्स की, जी हाँ, यहाँ पर मैं 6 ईयर कम्प्लीटली बात कर रही हूँ। 6 ईयर कम्प्लीटली आपकी फ़ीस होने वाली है 15 to 18 lakh, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट है टू परस्यू MBBS। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जो आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, साथ ही साथ एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी आपको दे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एम्किटर गोश आर्मेनियन रशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS परस्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैलिडिटी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि क्या इंडिया में वैलिड होगी यहाँ की डिग्री। आप वापस इंडिया आकर बेशक अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी कोई बिना अलग से एग्ज़ाम दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि क्या इंडिया में प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम देना होगा। सो द आंसर इज नो, अ बिग नो। आपको कोई अलग से एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पड़ी होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे और गार एजुकेशन की पूरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।